मोहनलालगंज विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत बगौना में स्वच्छ भारत मिशन को लेकर भारत टीवी पहुंची। ग्राम पंचायत बगौना गांव में सर्वे करने के बाद पता चला गांव में बजबजा रही नालियां। ग्रामीणों ने बताया सफाई कर्मी हमेशा नदारद रहता है। वहीं कुछ ग्रामीणों ने बताया स्वच्छता को लेकर गांव में फैली हुई है डेंगू की बीमारी। गंदगी से चौक ले रही नालियां, सफाई कर्मी जिम्मेदारी से भाग रहा दूर। सफाई कर्मी को फुर्सत ही नहीं काम करने की, गांव की नालियां चौक ले रही हैं, बदबू आ रही है नालियों से। ग्रामीणों ने ये भी बताया कि डेंगू जैसे विशाल मच्छर पनप रहे हैं गांव में। बड़े बड़े घूर के लगे हैं ढेर जो बयां कर रही हैं गंदगी की कहानियां। ऐसे में सवाल ये उठता है कि स्वच्छ भारत मिशन को किस तरीके से तार तार किया जा रहा है। बगौना ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने बताया कि डेंगू की बीमारी से जूझ रहे ग्रामीण गांव के डॉक्टरों से करवा रहे इलाज। महीनों से चल रहा है इलाज, डेंगू का ग्राम प्रधान व सफाई कर्मी गांव की देखरेख जिम्मेदारी से नजर नहीं आ रही। और कुछ ग्रामीणों ने बताया कि हमारी ग्राम पंचायत बगौना में डेंगू से ग्रसित कई लोग हैं जो अपना इलाज नजदीकी डॉक्टरों से करवा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के प्रति न ग्राम प्रधान न सफाई कर्मी ध्यान देते हैं। वहीं स्वच्छता के प्रति सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। राजधानी लखनऊ के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में डेंगू से ग्रसित हो रही हैं लोग, गंदगी से पनप रही हैं डेंगू मच्छर, गांव में सफाई के नाम पर जीरो। भारत टीवी से चांद मोहम्मद की रिपोर्ट। गांव में क्या सफाई करनी जा रही है, गांव में देखा गया सर्वे करके, भारत टीवी गई गांव में जाकर देखा गया वहां पर कि सारे गांव में घूरे जो है किस तरीके से बदबजा रहे। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में हमारे साफ सफाई के प्रति साफ सफाई हमारे गांव में कोई सफाई नहीं होती, सफाई कर्मी भी नदारद रहता है। ग्रामीणों ने बताया कि हमारे गाँव में कई लोग डेंगू से ग्रसित हैं। ग्रामीणों ने ये भी बताया कि लगातार मेरा इलाज चल रहा है डेंगू का और मैं खुद ग्रसित हूँ, ग्रामीणों ने बताया यहाँ पर। इसके लिए हमारे ग्राम प्रधान मौजूद हैं बगौना के, उनसे हम जानकारी लेंगे कि ऐसा क्या मामला है, स्वच्छ भारत मिशन के प्रति जो है गांव में स्वच्छता के प्रति क्या कदम उठाए गए, आखिर आपके गांव में क्यों डेंगू से ग्रसित हो रहे हैं। यहाँ तक कि जो है उच्च अधिकारियों का आदेश था कि जिस गाँव में डेंगू से ग्रसित पाए गए लोग उस गांव में सचिव या प्रधान के ऊपर जो है कार्रवाई होगी। ऐसा क्या मामला है जो इस गांव में स्वच्छता नहीं है सही तरीके से, घूर आज की बता जा रहे हैं, इसका क्या कारण है, ग्राम प्रधान बताएंगे। हमारे साथ मौजूद है, आपका नाम? हमारा नाम कैलाश नाथ चौरसिया और ग्राम पंचायत बगौना। बगौना से? हाँ। अच्छा बताइए कि प्रधान जी, स्वच्छ भारत मिशन के प्रति आपके गांव में जो है देखा हमने कि जो है बहुत तरीके से जो है फसल बीमारियां फैल रही हैं। ग्रामीणों ने बताया कि आज तक घूर बदबजा रहे, सड़कों पे पड़े हुए हैं और नालियां भी चोक ले रही थी, ऐसा क्या मामला है? सफाई करते हैं जो सफाई कर्मी है वो महीने में 2-4-5 दिन आता है, बाकी वो बोलता है हमें ब्लॉक में काम है, कहीं कहाँ काम है, वो लोग बहुत कम आते हैं। अच्छा, ये आदेश था कि जो गांव के घूरे हटाए जाए जो बदबजा रहे हैं और एंटी लार्वा का छिड़काव किया जाए गाँव में, आपके गाँव में ऐसा एंटी लार्वा का छिड़काव हम लोग चार बार कर। आपके गांव में देखा गया कि डेंगू से ग्रसित आपके गांव में कई लोग मिले हैं हमें, उन्होंने बताया कि मेरा इलाज चल रहा है, मैं डेंगू से ग्रसित हूँ, तो आपका गांव जो है गंदगी के ढेर में क्यों है? साफ सफाई हम लोग जितना हो रहा है हम लोग अपने हिसाब से करवा रहे हैं, साफ सफाई चल रही है, ऐसा नहीं है, साफ सफाई हम लोग करवाते हैं। नहीं, साफ सफाई करवा रहे हैं, अगर करवाते होते तो आपके गाँव में जो है अस्वच्छता नहीं होती, ऐसा क्या मामला है? अपना हम लोग करवा रहे हैं, चल रहा है काम, अब हमें अभी 5-6 मंथ हुए हैं गाँव में जाकर देखा गया कि गंदगी के ढेर बहुत पड़े हुए हैं जो बदबदा रहे हैं, गंदगी से क्या हो सकता है? गंदगी से तो खतरा है, लेकिन अब वो लोग आते हैं जिस हिसाब से साफ सफाई कर रहे हैं अपना करते रहते हैं। आपके गांव में डेंगू से ग्रसित भी है। आपका नाम दादा? खुशी राम। किस ग्राम पंचायत से हो आप? बगौना से। बगौना, ये बताइए कि स्वच्छ भारत मिशन को लेकर आपके गाँव में जो घूरे बदबजा रहे हैं उनकी क्या सफाई अभी हुई है? नहीं हुई। आपके गाँव में कितने घूर होंगे अभी तक सफाई? अच्छा, जो गंदगी के बिखरे पड़े हुए घूर यहाँ पर, गंदगी फैली हुई, इससे क्या हो सकता है? साहब गंदगी कीड़े में सब तैयार होते हैं, डेंगू जैसे विशाल मच्छर पनप सकते हैं। अच्छा, तो स्वच्छता के लिए आपके गांव में कोई स्वच्छ मिशन स्वच्छता चलाई गई है, अभियान कोई चलाया गया है? अच्छा, ये बताइए कि आप गाँव में गंदगी जो फैल रही है इससे क्या डेंगू मच्छर पनप रहे हैं? आपके गांव में कोई डेंगू से ग्रसित तो नहीं है? है, है?
है, कौन है, कितने लोग होंगे लगभग? काफी लोग। दवा चल रही होंगी या टीवी चल रही है? दवा चल रही है। लगभग कितने लोग होंगे आपके गांव में जो कुश्ती खेल रहे हैं? स्वच्छता के लिए सरकार ने बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं कि गांव में स्वच्छता हो, सफाई हो। दवा का छिड़काव आपके गांव में किया गया है? कितने बार छिड़काव हुआ है गांव में? चार बार छिड़काव हुआ है। अच्छा ये बताइए, सरकार से आप कुछ अपील करना चाहेंगे? आपके गांव में क्या होना चाहिए? सफाई होना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर आपके गांव में कोई रैली निकाली गई स्वच्छता के लिए? नहीं निकाली गई। अच्छा आपके गांव में जो कूड़े पड़े हुए हैं, कचरा जा रहे हैं, ये अभी तक नहीं उठाए? नहीं उठे। ठीक है, हमारे साथ आपका नाम? अयोध्या प्रसाद। अयोध्या प्रसाद, अयोध्या प्रसाद ये बताइए किस ग्राम पंचायत से हैं? बघौना से। बघौना से। अच्छा ये बताइए कि जो आपके गांव में कूड़े बाजार हैं, सड़कों में नालियां चोक ले रही हैं, इससे क्या हो सकता है? डेंगू हो सकता है। आपके गांव में कोई ग्रसित है डेंगू से? कितने लोग हैं लगभग? आपके भी परिवार में घर में है कोई? इलाज कर रहे? कितने दिन पहले हुआ है? अरे अभी 15-20 दिन पहले दवा खाना बंद किया, नहीं पहले से 1 महीना से इलाज करा रहे थे। अच्छा कोई बच्चा है आपका? किसका इलाज चल रहा है? हमारा ही चल रहा है। आप डेंगू से, डेंगू आपको हुआ था? अच्छा अच्छा, तो ये प्राइवेट इलाज चल रहा है? अच्छा अच्छा, तो इसके लिए सरकार ने जो बता रखा है कि गाँव में गंदगी साफ की जाए, आपके गाँव में गंदगी साफ नहीं, सरकार से क्या अपील करना चाहिए? गंदगी सफाई कर्मी आपके वहाँ आता है जी? नहीं कब आते हैं, मतलब सफाई नहीं करते हैं। कब कब आता है? अरे कभी कतार आता है, नाली वाली साफ कर जाता है, रोड में झाड़ू वाड़ू मार जाता है। गांव में नालियां चोक ले रही हैं, बरबजा रही हैं, इससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। अच्छा ये बताइए कि स्वच्छता के प्रति सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे? ठोस कदम क्या होना चाहिए गाँव में? आप सफाई होना चाहिए। सफाई होना चाहिए। हरिमोहन, किस ग्राम पंचायत से हैं आप? बघौना से। अच्छा बताइए, स्वच्छ भारत मिशन के प्रति जो है बड़े ठोस कदम सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं कि गांव में साफ सफाई हो, डेंगू जैसी वायरल बीमारी न पनपने पाए। आपके गांव में हमने जाकर देखा, भारत टीवी आपके गांव में आई है और जो चेक कर रही, सर्वे कर रही, सर्वे में देखा जा रहा है कि आपके गाँव में जो है बहुत बड़े बड़े विशाल जो भूत लगे हुए हैं, उससे क्या हो सकता है? बीमारी फैलती है। आपके गाँव में भूत उठाए नहीं गए? नहीं नहीं नहीं। ये ब्लॉक द्वारा आदेश हुआ था कि जो है गांव के घूरे उठाए जाए, गांव में साफ सफाई कराई जाए, लगातार जो है गांव में दवा का छिड़काव हो जिससे डेंगू जैसे विशाल मच्छर न पनप सके। आपके गांव में ऐसा कुछ हुआ है? आपके गांव में कोई डेंगू ग्रसित हो रहे लोग क्या? गाँव में करा रहे। लगभग कितने लोग होंगे डेंगू से ग्रसित? 10-20 लोग डेंगू से ग्रसित चल रहे हैं। और आपके गांव में फॉगिंग कितनी बार हुई है? नहीं हुई, एक बार भी नहीं हुई। दवा का छिड़काव नहीं एक हुआ? एक बार भी नहीं हुआ। अच्छा ये बताइए कि सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या होना चाहिए इसमें? हमारे यहाँ सफाई होना चाहिए और दवा पड़नी चाहिए। जिनको लैटिंग है, देखो पिछली सरकार में वो पिछले जो सरकार थे देखो मतलब ले लिया था, ये कॉन्ट्रैक्ट ले लिया था, 12-12 हज़ार आया ऐसा लैटिंग का, और कुछ में सीट लगी, कुछ में छत लगी, मतलब कुछ उसमें छत लगी नहीं, और कुछ में जो है देखो अभी पासी में देख लीजिए, अभी ये देखो गड्ढे बने हैं, पासी में देख लीजिए अभी इसमें वो नहीं है, ढक्कन नहीं। अच्छा ये बताइए कि जो है शौच को लेकर आपके गांव में, आपका गांव शौच मुक्त हुआ क्या? नहीं हुआ। अच्छा शौच के लिए अभी का ग्रामीण कहाँ जाते हैं? बाहर जाते हैं। बाहर जाते हैं शौच के लिए। अच्छा स्वच्छता के प्रति कोई ठोस कदम आपके गांव में, कोई रैली या कोई जन वो निकाला गया है? स्वच्छता अभियान चलाया गया है? एक बार भी नहीं चलाया गया। अच्छा प्रजा टाइम पर प्रधान है आपके वहाँ, इन्होंने कोई ठोस कदम उठाया है गांव की सफाई के लिए? अभी नहीं उठाया स्वच्छता के लिए। जो है डेंगू, लखनऊ राजधानी में लगातार डेंगू का कहर चल रहा है, डेंगू जो पनप रहे हैं, अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी डेंगू का कहर चल रहा है, तो आपके गांव में स्वच्छता के प्रति सफाई बिल्कुल नहीं है क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं। सफाई के नाम हेल्पलाइन नंबर में किए हैं इसकी शिकायत कई बार, हाँ किए मगर सफाई भी नहीं होती। नहीं होती नहीं। अच्छा आपके गाँव में ग्राम सचिव और प्रधान
सचिव आते हैं आपके गांव में? सचिव आते हैं मगर कुछ करते नहीं, ना कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। बस वहीं से सफाई के नाम पे आपका गांव जीरो है। जी जी जी। क्या इसी तरीके से सरकार से क्या अपील करेंगे, क्या इसी तरीके से आपका गांव गंदगी में बसा रहेगा? सरकार से अपील है कि हमारे यहाँ साफ सफाई हो, नालियों की सफाई हो। कई बार हमने कंप्लेन भी कर चुके हैं मगर यहाँ कोई नहीं मतलब सुनता है। भारत टीवी द्वारा क्या संदेश देना चाहेंगे आप? यही कहना चाहते हैं कि हमारे गांव में स्वच्छता अभियान चले ताकि आपके गांव में कोई बीमारी ना हो। बीमारी ना हो।